और इस वक्त की अहम खबर, मौलाना अरशद मदनी का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो भी हालात मुल्क में चल रहे हैं इस वक्त, उसे पूर्ण तरीके से निपटना है। CAA पर बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क को पूर्ण बनाने के लिए जो भी कुर्बानियां देनी पड़े वो देंगे, मजहब से ऊपर उठकर। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। तो मौलाना अरशद मदनी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, सेकुलर आत्मा को बचाने के लिए, वो हम देंगे अपने मजहब से ऊपर उठकर। और अब हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा जुड़ गए हैं दिल्ली की जामा मस्जिद से। आपको बता दें कि आज जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकलने वाला है। CAA की मुखालफत में मुजाहरा फिर से दिल्ली में किया जा रहा है। शुएब, कितने लोग जुटे हैं वहां पर और आज इस मुजाहरे में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं, कौन इसकी क्यादत करेगा जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो तो था यही कि जामा मस्जिद से और जंतर मंतर या पार्लियामेंट तक मार्च निकाला जाएगा। और ये ऐलान किया था भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर ने, लेकिन खबर यही आ रही है कि पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। लेकिन अभी भी जो लोग हैं एक तरीके से, वो क्योंकि जुमे की नमाज़ तो पढ़ने आएंगे ही और हज़ारों लोग वैसे भी जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं हर जुमे के दिन, हर हफ्ते, तो तमाम जो लोग हैं जब यहाँ पर जुटेंगे, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर मुजाहरे किए थे। लोग अपनी मुखालफत जो है वो CAA और NRC को लेकर यहाँ पर आज भी दर्ज कराएंगे। इसी तरह से क्योंकि अगर अभी के वक्त की बात करें, कल भी हमने देखा था कि जब लाल किले पर 11 बजे की कॉल दी गई थी तो पुलिस ने उस वक्त तक रूट को ना तो डाइवर्ट किया था, ना ही किसी को आने जाने से रोका था। जाहिर सी बात है उससे मुसाफिर को दिक्कत होती, लेकिन पूरी रणनीति पुलिस ने पहले ही बनाई हुई थी। इसी तरह से मुझे लगता है कि जामा मस्जिद, क्योंकि ये गेट नंबर एक है और हमेशा इन्हीं सीढ़ियों पर, इन्हीं इसी गेट नंबर एक के बाहर प्रोटेस्ट होते आए हैं, तो आज भी यहीं पर लोग नमाज के बाद जुटेंगे और जो इलाकाई नेता है वो इसकी अब रहनुमाई करते नजर आएंगे अगर चंद्रशेखर को यहाँ पर आने नहीं दिया गया। इस तरह की खबरें आ रही है क्योंकि चंद्रशेखर को रोका जा सकता है या फिर हो सकता है कि पुलिस उनको पुरअमन मुजाहरा यहीं पर करने की इजाज़त दे कि आप यहाँ पर मुजाहरा कर लीजिए, क्योंकि मुजाहरा करना तो आईनी हक है। अगर किसी चीज़ की भी मुखालफत दर्ज करानी है तो आप अमन के साथ अपना मुजाहरा कीजिए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन तशद्दुद कहीं नहीं होना चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि दिल्ली में कल भी कई जगहों पर मुजाहरे हुए, लाल किला हो या जंतर मंतर पर रात तक मुजाहरे चलते रहे, वहाँ किसी तरह की हिंसा नहीं हुई, किसी तरह का तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जगहों से जो खबरें आई, चाहे लखनऊ हो, मंगलोर हो, उन जगहों पर यकीनन कई सवाल खड़े हुए हैं। तो अब तमाम जो लोग हैं वो यही दरख्वास्त करते नजर आ रहे हैं कि अपनी बातों को लोग अगर रखना चाहते हैं तो पुरअमन तरीके से रखें, क्योंकि कहीं भी तशद्दुद होगा तो फिर पुलिस को भी कार्रवाई करने का एक तरीके से सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको हक मिल जाता है। और जब अमन पसंद, अमन के तरीके से अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो फिर कोई भी कुछ कहने के लिए आगे नहीं आता। जाहिर सी बात है कि मुजाहरा किया जा सकता है। तो आज दिल्ली में एक जामा मस्जिद से मार्च निकालने की जो बात है, जामा मस्जिद पर मुजाहरे की बात है, और उसके अलावा शाम के 5 बजे राजीव चौक पर, यानी कि जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, माफ़ कीजिएगा, राजीव चौक है कनॉट प्लेस, वहाँ पर गेट नंबर 7 पर भी एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है कि वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होगा। तो दिल्ली में दो ये बड़े प्रोटेस्ट माने जा रहे हैं कि लोग यहाँ पर जमा होंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों से इसी तरह की खबरें हैं कि जुमे की नमाज के बाद, क्योंकि आज जुमे का दिन है और उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में इंटरनेट की सेवाएँ पूरी तरह से आज मुतासिर है, उसको बंद कर दिया गया है। इन तमाम हालात को देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला लिया गया, तो यकीनन उत्तर प्रदेश पर भी सबकी निगाहें हैं कि वहाँ पर, क्योंकि कल हिंसा हुई, लखनऊ में एक शख्स की मौत भी वहाँ पर हो गई, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंतजाम सख्त किए गए हैं। लेकिन ये भी सच है कि जामिया में जो मामला सामने आया था, क्योंकि ये जो चिंगारी एक तरीके से हम देख रहे थे कि CAA की जो मुखालफत है वो कई जगहों पर हो रही थी, लेकिन जामिया में जब मामला सामने आया उसके बाद पूरे देश में जो इस तरह के मुजाहरे हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। शुएब, आज जामिया में क्या हालात हैं? शुएब, इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मुखालफत को दर्ज, आज जामिया में क्या हालात हैं? शुएब, बिल्कुल, देखिए
देखिए जामिया में रोजाना इसी तरह की चीजें हो रही है कि वहां पर सुबह से लोग जुटना शुरू होते हैं, वो बैठते हैं या फिर एक ह्यूमन चैन बनाकर अपनी मुखालफत दर्ज कराते हैं, तो लोग अलग अलग तरीके से वहाँ पोस्टर बैनर लेकर पहुँच रहे हैं और अपनी मुखालफत शाम तक वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। अलग अलग जो तंजीमें हैं वो उनके हिमायत करती नज़र आती है। इन तब यही तमाम चीज़ें दिन भर चलती रहती है। इसी तरह जंतर मंतर तो क्योंकि एक ऐसा ऐसी जगह है जहाँ पर आप मुजाहरा करने का हक जो है वो कोर्ट ने भी आपको वहाँ दिया है, सरकार ने भी वो जगह एक तरीके से तय की हुई है कि आप जंतर मंतर पर जाइए, जो भी बात पहुंचानी है वहां पर आप बैठिए और अपनी मुखालफत वहां पर दर्ज कराइए। तो जंतर मंतर पर रोजाना लोग, कोई ना कोई ग्रुप ऐसा होता है जो रोजाना पहुंचता है दिल्ली में। और इसके अलावा भी आज एक चीज ये भी देखनी होगी, क्योंकि जाफराबाद और सीलमपुर में भी तशद्दुद हुआ था दो दिन पहले, और आज फिर जुमे की नमाज के बाद इस तरह की कोशिश वहां पर हो सकती है कि लोग जुटे, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होने की कोशिश करें। तो वहां पर भी पुलिस ने बेहद चौकसी बरती हुई है और कई जगहों पर हमें जो खबर मिल रही है कि पुरअमन तरीके से मुजाहरे की कॉल दी गई है, और देश के मुख्तलिफ शहरों से, देवबंद से भी इस तरह की खबर है कि वहां भी मुजाहरे की बात कही जा रही है जुमे की नमाज के बाद। इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों से यह खबर है कि जुमे की नमाज के बाद वहां पर मुजाहरे होंगे, लेकिन क्या इनका इन तमाम चीज़ों से निकल कर आता है और किस तरह से लोग अब कम से कम, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ये अपील, ये दरख्वास्त करते नज़र आ रहे हैं कि आप मुजाहरे अगर कर भी रहे हैं तो अमन के साथ कीजिए, उसका ज़्यादा असर पड़ता है। संवाद हो, एक तरीके से विवाद ना हो, बातचीत हो और अपनी बातों को। जी शुएब, आप नजर बनाए रखें तमाम सूरतेहाल पर, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और अब यूपी से एक अहम अपडेट आपको दे दें, पूरे यूपी में दफा 144 नाफिज है, अहम खबर इस वक्त की यूपी से आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 144 नाफिज की गई है। लखनऊ में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संभल, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई। और इस बीच आप बता दें कि यूपी के कई शहरों में आज भी इंटरनेट खिदमत बंद रहेंगी। इंतजामिया ने एहतियातन फैसला लिया है, शहरियत कानून के खिलाफ यूपी के कई शहरों में इंटरनेट बंद करने को लेकर अहकाम जारी किए गए हैं। गाजियाबाद, बरेली और मेरठ में इंटरनेट बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। गाजियाबाद में जुमेरात की रात 10 बजे से लेकर आज रात 10 बजे तक इंटरनेट खदमत पर रोक रहेगी। वहीं बरेली के जिला इंतजामिया ने अहकाम में कहा है कि जुमेरात की रात 11 बजे से 36 घंटे के लिए बरेली में इंटरनेट खदमत बंद रहेंगी। अलीगढ़ और सहारनपुर में भी इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। वहीं सहारनपुर, संभल, अलीगढ़ में पहले से इंटरनेट खदमत पर रोक लगी हुई है। पीलीभीत में भी आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। गौतम बुद्ध नगर में भी इंटरनेट से को बंद नहीं किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। सीसीटीवी के जरिए पुलिस ऐसे लोगों की शिनाख्त कर रही है। शहरी कानून के खिलाफ लखनऊ में हो रहा एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, जिसके बाद पुराने लखनऊ में कशीदगी पैदा हो गई। शहरी कानून की मुखालिफत कर रहे एहतजाजियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुराने लखनऊ में तशद्दुद कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। एहतजाजियों ने मदेगंज पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और सतखंडा चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ प्राइवेट न्यूज चैनल और चार पहिया गाड़ियों और मीडिया एहलकारों की दूसरी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें रोडवेज की एक बस भी शामिल है। हंगामे में एक शख्स की मौत की भी खबर है। 55 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ में तशद्दुद भड़काने के बाद वजीर आला योगी ने अफसरान के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद वजीर आला योगी ने ऐलान किया कि एहतजाज के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरू में भी शहरियत कानून की मुखालफत की गई, पुलिस ने भीड़ को कोई ढील नहीं दी। कर्नाटक के मंगलुरु में शहरियत कानून के एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद में 2 लोगों की मौत हो गई।
پرتشدد احتجاج کے دوران پولیس اور احتجاجیوں کے بیچ بھڑنت ہو گئی۔ کلبرگی اور بنگلورو میں احتجاج کو دیکھتے ہوئے پولیس نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ بنگلورو کے 5 تھانہ علاقوں میں آج رات 12 بجے تک کرفیو لگایا گیا ہے۔ اور آپ بتا دیں کہ مغربی بنگال کے وزیر اعلی ممتا بینرجی نے شہریت قانون اور این آر سی کے مدعے پر مطالبہ کیا ہے۔ ممتا کے مطابق یو این کے نگرانی میں دونوں مدعوں پر ریفرینڈم کرایا جانا چاہیے۔ مودی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے ممتا بینرجی نے کہا ہے کہ آزادی کے اتنے سال بعد ہمیں شہریت ثابت کرنے کی ضرورت کیوں ہے۔ مرکز کی مودی سرکار کو انتباہ دیتے ہوئے ممتا نے آگے کہا کہ ریفرینڈم میں اگر تم ہارتے ہو تو تمہیں استعفیٰ دے کر جانا ہوگا۔ ممتا نے کہا کہ ملک کو فرقہ وارانہ فسادات کا استعمال کر تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو۔ بڑھتے بلٹن میں آگے، اناو ریپ کیس میں ملزم قرار دیے گئے کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا کا اعلان آج ہو سکتا ہے۔ آج قصوروار ٹھہرائے گئے ایم ایل اے کی سزا کو لے کر بحث ہوگی۔ اس کے بعد کورٹ اس معاملے میں اپنا حتمی فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اس سے پہلے سماعت میں سی بی آئی نے ملزم ایم ایل اے کے لیے میکزیمم سزا کی مانگ کے ساتھ ہی متاثرہ کے لیے مناسب معاوضہ بھی مانگا تھا، جس کے چلتے کورٹ نے ملزم کے زمین کے کاغذات طلب کیے تھے۔ اناو ریپ معاملے میں آج قصوروار ٹھہرائے گئے کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا پر بحث ہوگی کورٹ میں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بحث طے ہوتی ہے کلدیپ سنگھ سینگر کے لیے۔ پون ترپاٹھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس اہم خبر پر مزید اپڈیٹ لے کر۔ پون، کلدیپ سنگھ سینگر قصوروار ٹھہرائے گئے اناو ریپ معاملے میں، آج ان کی سزا پر بحث ہونی ہے، کب یہ ہیئرنگ شروع ہونی ہے؟ سترہ دسمبر کو کلدیپ سنگھ سینگر کو 30,000 کورٹ کی 201 نمبر کی جو کورٹ ہے دھرمیش شرما کی، اس کورٹ نے انہیں دوشی ٹھہرایا تھا۔ اور آج قریب 12 بجے اس پورے معاملے پر بحث شروع ہوگی۔ یہ بحث اس لیے رک گئی تھی کیونکہ پیڑتا کو جو معاوضہ دینا تھا اس پر بحث شروع ہوئی تھی، اور کلدیپ سنگھ سینگر کے وکیل نے کہا تھا کہ کلدیپ سنگھ سینگر کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے بعد کورٹ نے ان کے سارے پراپرٹی کے پیپرز کو، ان کی انکم کی جتنی بھی ریٹرنز ہیں ان سبھی کو طلب کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد پیڑتا کو ملنے والے معاوضے کو طے کیا جائے گا۔ تو یہ مانا جا رہا ہے کہ 12 بجے کے آس پاس اس کورٹ میں جو ہے بحث شروع ہوگی کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا کے لیے، اور اس بحث کے بعد یہ طے ہوگا کہ کلدیپ سنگھ سینگر کو منیمم اور میکسیمم کتنی سزا دی جائے۔ اگر بات کریں تو منیمم قریب 10 سال کی سزا 376 اور پاکسو کے انترگت دی جا سکتی ہے، اور میکسیمم سزا کی مانگ کی گئی ہے سی بی آئی دوارا، یعنی آجیون کارواس۔ اب یہ دیکھنا ہوگا جب یہ بحث شروع ہوگی پر جو کورٹ ہے اس میں بیٹھے وشیش جج دھرمیش شرما کیا فیصلہ سناتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، کیونکہ کلدیپ سنگھ سینگر کو پہلے ہی دوشی قرار دیا جا چکا ہے اور ان کی مہیلا سہیوگی ششی سنگھ کو بری کیا جا چکا ہے کورٹ دوارا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا جب 12 بجے یہ بحث شروع ہوگی تو جب فیصلہ آئے گا تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کلدیپ سنگھ سینگر کو کتنی سزا 30,000 کی اس وشیش عدالت دوارا دی جاتی ہے۔ جی پون، اس سے پہلے کی ہیئرنگ میں کلدیپ سینگر کے وکیل نے کئی دلیلیں بھی کورٹ کے سامنے پیش کی تھی، کلدیپ سینگر نے جو کام کروائے تھے ان کا حوالہ دیا تھا، لیکن آج واقعی آپ نے ٹھیک کہا کہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کلدیپ سینگر نے جو کیا ہے اس کے بعد کیا سزا مقرر کی جانے والی ہے۔ بالکل، دیکھیں اس سے پہلے جو ہے کلدیپ سنگھ سینگر کی عمر کا بھی تقاضا ان کے وکیل نے دیا تھا کہ وہ 54 سال کے ہو چکے ہیں، ان کی 2 بیٹیوں کی شادی ابھی ہونی باقی ہے، اور انہوں نے جنتا کے لیے کافی وکاس سے کاریہ کرائے ہیں اپنے چھیتر اناؤ میں۔ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ جنتا کی بھلائی کے لیے چیزیں کی ہیں، پل بنوائے ہیں، سڑکیں بنوائی ہیں، اور بہت سارے ایسے جو ودیالے ہیں وہ کھلوائی ہیں۔ ساری دلیلیں آروپی کے وکیل کی طرف سے دی گئی تھی، لیکن کورٹ نے یہ کہا کہ جب میں نے گلٹی پایا ہے اس پورے معاملے میں دوشی کو تو گلٹی پایا ہے، کیونکہ پورے تتھیوں کی جانچ کی گئی ہے بحث کے دوران۔ ان کے یہ ہے کہ جب اس کورٹ میں 12 بجے کے بعد جب بحث شروع ہوگی تو سب سے پہلے پیڑتا کو ملنے والے معاوضے کے اوپر بحث ہوگی کہ کتنا معاوضہ پیڑتا کو دیا جائے کلدیپ سنگھ سینگر کی طرف سے، اور اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ اس پورے کیس میں کلدیپ سنگھ سینگر کو کتنی سزا دی جائے۔ حالانکہ سی بی آئی کے وکیل کی طرف سے اس پورے معاملے میں کلدیپ سنگھ سینگر کے لیے سب سے کڑی سزا آجیون کارواس کی سزا کے لیے وہ اپیل کی گئی ہے، لیکن یہ کورٹ کے اوپر ہوگا اور جج کے وویک پر ہوگا کہ وہ کس طریقے کی سزا کلدیپ سنگھ سینگر کو پرووائڈ کراتے ہیں۔
जी पवन, तो अदालत ने सारे कागजात सारे दस्तावेज तलब किए हैं पहले मुआवजे को लेकर। ये जो दलील दी गई कुलदीप सिंह सेंगर के वकील की जानिब से कि उनके पास कुछ भी नहीं है मुआवजा देने के लिए, तो आज तमाम कागजात के साथ कोर्ट में मौजूद रहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन पवन, क्योंकि उन्नाव रेप और अगवा मामले को बहुत ही खौफनाक मामलों में गिना जा रहा है, अदालत ने कहा भी था कि खौफनाक मामला से भरा हुआ है ये पूरा केस जो है, और बहुत ही गैर इंसानी तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। पवन, क्या लगता है आपको, मिनिमम और मैक्सिमम की जो आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले, आज सजा सुनाते वक्त कौन सी चीज में ज्यादा वजन आपको नजर आता है? आपको लगता है कुलदीप सिंह सेंगर ने जो किया है, जिस मामले में उसको कसूरवार ठहराया गया, इस तरह की कोई दलीलें काम आ सकती है उनके, जो उनके वकील दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले सजा पर बात करते हैं। अगर मिनिमम सजा की बात की जाए तो करीब 7 साल की मिनिमम सजा होगी और मैक्सिमम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। कुलदीप सिंह सेंगर के वकील द्वारा ये बताया गया था कोर्ट को कि उन्होंने इस पूरे केस में जो उनको फंसाया गया है, जो उनको उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो बेबुनियाद है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट 30,000 कोर्ट ने सीबीआई को भी एक फटकार लगाई थी, और ये भी कहा था सीबीआई को कि उन्होंने इस पूरे मामले में बहुत ही देर की, 1 साल का वक्त लगा उन्हें पूरा इन्वेस्टिगेशन करने में, सीबीआई को भी फटकार लगाई गई। लेकिन सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही ये पूरा मामला इस स्थिति तक पहुंचा है कि आज कुलदीप सिंह से ऐलान किया जाएगा। ये माना जा सकता है कि जब ये कोर्ट शुरू होगी, जब इस कोर्ट में बहस होगी, तो मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को हो सकती है। ये कोर्ट और जज के जी पवन, शुक्रिया फिलहाल आपका, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सजा मुकर्रर हुई अदालत की जानिब से कुलदीप सिंह सेंगर को। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। वहीं फैजाबाद कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस पर आज फैसला सुनाया जाएगा। फैसला SC ST खसूसी कोर्ट सुनाएगी। दरअसल 23 नवम्बर 2007 को फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी की कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले जिला इंतजामिया और पुलिस महकमे ने कचहरी की सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल किया, जिसमें डेमो बम प्लांट किया गया। डेमो पिस्टल और झोले में रखा अपने ही आदमी को कचहरी आते में भेजा गया। COCT का कहना है कि मॉक ड्रिल के जरिए कचहरी पुलिस की चुस्ती को देखा गया। खबर अब उन्नाव से। उन्नाव में एक ठेकेदार को 2 लोगों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी ठेकेदार के मुताबिक 2 लोगों ने गैर कानूनी वसूली न देने पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात पास में लगे CCTV में कैद हो गई। फुटेज में 2 बाइक सवार एक शख्स पर एक के बाद एक कई वार करते नजर आ रहे हैं। बदमाशों के हमले में जख्मी ठेकेदार को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। तो आप किसने मारा था? राजा सिंह ने और छोटी आदम ने। कहाँ पे मारा था? जीएस कंपनी के गेट के सामने, पेट में 3 चाकू, हाथ में 2 चाकू, एक पैर। पेट में मारा और कहाँ मारा? 2 हाथ में मारा, एक पैर में मारा है। राजा सिंह ने? राजा सिंह ने।